आज हम करने वाले हैं कुछ वायरल हैक, जिसमें से मैंने 5 से 6 हैक सिलेक्ट किया है और देखते हैं कि वो वर्क करते हैं भी या नहीं। ये जस्ट 5 मिनट ड्राफ्ट में से होने वाले हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट हैक हम क्या करते हैं। सो गाइस, हम फर्स्ट हैक करने वाले हैं एक कैंडल से, और ये वाली कैंडल में कुछ वीडियो में दिखा रखा है कि पहले तो ये कैंडल को जलाते हैं मैस्टिक से, देन उसके बाद इसको बुझा देते हैं। उसके बाद ही जैसे ही मैस्टिक को आगे लेके जाते हैं तो फिर वो अपने आप ही कैंडल जल जाती है। तो हम भी यही ट्राई करने वाले हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं। सो गाइस, ये वर्क करता है। वाओ, कितनी दूर से भी चल रहा है वाला हैक, बिल्कुल काम करता है। बिकॉज मैंने इसको काफी बार ट्राई करा है, लाइक 5-6 बार ट्राई करने के बाद ये मेरा काम करा है, जो मैं गलत कर रही थी। एक बार में अगर आप भी ट्राई करोगे तो आपका शायद एक बार में हो जाए, मेरा 5 से 6 बार ट्राई करने के बाद हुआ है ये। सो ये वाले हैक को मैं देना चाहूंगी 10 में से 10। ये सो गाइस, अब हम करने वाले हैं अपना सेकेंड हैक, और सेकेंड हैक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है। बिकॉज इसमें ना एक स्ट्रेटनर से पॉपकॉर्न बनाना है, जो मेरे पास है ये वाला स्ट्रेटनर। सो मैं भी इस वाले स्ट्रेटनर से पॉपकॉर्न बनाऊंगी, एंड जस्ट आपको एक पॉपकॉर्न के इसको यहाँ रखना है, देन इसको आपको ऐसे प्रेस करके रखना है, ये पॉपकॉर्न बन जाएगा कुछ। सो देखते हैं कि ये वाला हैक वर्क करता है कि नहीं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रेटनर को ऑन कर लिया है, एंड अब मैं इसमें रखूंगी। ओ शिट, कितनी गर्म है यार। सो ये आपको बहुत केयरफुली करना है, इसमें आपका हाथ भी जल सकता है। एंड मैंने यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न रखे हैं, शिट, और एक गिर गया है। शिट, ये भी गया। कोई नहीं, हम एक से एक करते हैं काम, अभी हम एक से काम चलाएंगे। एंड देखते हैं कि इसको कुक होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। थोड़ा मेरी तरफ फोकस आई हो। सो गाइस, ये ब्राउन तो हो गया है दोनों साइड से, एंड शायद जस्ट कुक होने वाला ही है कुछ मिनट में। मैंने हम दोनों को फोकस साथ में लिए, ठीक है।
ब्रश बनाने वाले हैं एंड इस ब्रश को मैं क्यों बना रही हूँ आई डोंट नो बट हैक है तो ट्राई करना ही बनता है। ओह माय गॉड कट गई, ओह माय गॉड सो गाइस मेरे हेयर कट चुके हैं। सो गाइस मैंने अपने हेयर कट कर लिए हैं और मेरे को बहुत सारा हेयर मिल गया है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया है ब्रश के लिए। लुक एट दिस गाइस, इससे बहुत ही अच्छी ब्रश बनने वाली है। मैं आपको ब्रश बना के भी दिखाती हूँ। चलिए, आपके पास ब्रश तो होगी नहीं गाइस, बिकॉज अगर हमारे पास ब्रश होती तो हम हेयर कट ही क्यों करते। सो हमारे पास तो ब्रश है नहीं, सो हमें एक पैन चाहिए। अगर आपके पास पैन भी ना हो तो आप एक स्टिक ले सकते हो, उसमें इसको इस तरह से लगाना है एंड रबर से टाई कर देना है। सो गाइस कितनी प्यारी ब्रश बन गई, वाओ बहुत ही प्यारी ब्रश बन गई है गाइस, यू कैन सी। अब मैं इससे आपको आई शेड लगा के भी दिखाती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे आई शेड पैलेट है एंड इसमें से मैं कोई सा भी कलर पिक करूंगी, लाइक पिंक कर लेते हैं हम। और वाओ इसे आई शेड नहीं आया, फिर मैं अप्लाई करते हैं, वाओ और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो रही है, वाओ चलिए कोई नहीं, हम फिर भी अपने हेयर की बलि दे देंगे बिकॉज हमने दे चुकी है। एंड गाइस ये ब्रश बहुत ही बेहतरीन है, लाइक बेहतरीन, वाओ मैंने क्या वर्ड बोल दिया, बेहतरीन। सो गाइस ये ब्रश बन चुकी है और ये बहुत ही वाहियात ब्रश है। सो बोलूंगी आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें बिकॉज आपके हेयर भी जाते हैं और ये वर्क भी नहीं करती है ये ब्रश। सो मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। सो इस हैक को मैं देना चाहूंगी 10 में से 0 बिकॉज ये वाला हैक ट्राई करने का कोई सेंस नहीं है, हम सेंसलेस है तभी हमने ये हैक ट्राई कर लिया। अगर आप सेंसलेस नहीं हो तो आप बिल्कुल ही मत ट्राई करिए, अगर आप हो तो मेरे इस तरह ट्राई करिए, मजा आएगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। सो गाइस अब हम ट्राई करते हैं अपना फोर्थ हैक और फोर्थ हैक भी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ईजी हैक है ये, सच में ईजी है क्योंकि मैंने पहले ट्राई कर रखा है ये वाला है। सो इसमें क्या है कि अगर आपके पास आपके घर में लिपस्टिक खत्म हो जाती है या फिर लिपस्टिक आपकी ड्रेस से मैचिंग करती भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटली आपको सिर्फ वैसलीन या फिर लिप बाम की एक अपने लिप पर लेयर अप्लाई करनी है, देन उसके बाद आप कोई सा भी आई शेड जो आपकी ड्रेस से मैच करता है आपको वो अप्लाई करना है और आपकी लिपस्टिक रेडी हो जाएगी। तो अब मैं यही वाला हैक आपको करके दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे ये वाला हैक करना है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ मैंने वैसलीन ले लिए गाइस एंड इसको मैं अपने फोटो पे अप्लाई करने वाली हूँ, एक लेयर लगाऊंगी इसकी। सो गाइस मैंने यहाँ पे वैसलीन लगा ली है, देन अब मैं कोई भी आई शेड लेके वो अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। सो यहाँ मैं एक न्यूड शेड लगाऊंगी, न्यूड ब्राउन कलर, इस तरह की ब्रश से अप्लाई करूंगी गाइस। गाइस मैंने आई शेड एंड वैसलीन से ये लिपस्टिक अप्लाई करी, ये लिपस्टिक बनाई है, सो काफी अच्छी लग रही है, न्यूड कलर है एंड गाइस लगने के बाद भी काफी मतलब लाइट लग रही है। सो मुझे ये वाला हैक बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक दिस हैक। सो मेरी तरफ से मैं इस हैक को देना चाहूंगी 10 out of 10 बिकॉज ये हैक बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि लिपस्टिक नहीं है तो आप आई शेड में से कोई सा भी कलर लेके अप्लाई कर सकते हैं, एक वैसलीन या फिर लिप बाम के साथ। सो गाइस अब हम करने वाले अपना फिफ्थ हैक एंड ये वाला लास्ट हैक है। एंड गाइस इस हैक में क्या है कि अगर आपको ग्लिटर आई शेड लगाना है एंड आपको नहीं लगाना आ रहा कि कैसे लगाए हम तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका बता रखा है इस हैक के अंदर,
कि आपको सिर्फ वैसलिन लेनी है एंड अपनी आईलेट पे इस तरह से अप्लाई करनी है लाइक इस तरह से, देन उसके बाद आप कोई भी ग्लिटर आई शेड लीजिए किसी ब्रश से या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाला हैक मैं ट्राई करूंगी एंड ये वाला हैक मैं अपने नेफ्यू के ऊपर ट्राई करूंगी। ओके गाइज, तो चलिए फिर ज्यादा हैक ट्राई करते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर वैसलीन ले ली है एंड आपके पास वैसलीन हो या लिप बाम हो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, बस स्टिक करना है कि वो स्टिक हो जाए। सो मैंने फिंगर की मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी लाइक इस तरह से अप्लाई करना है आपको। सो यहाँ पे मैंने वैसलीन लगा दी है एंड आपके पास कोई भी ग्लिटर आई शेड हो आप वो ले सकते हो एंड आपको ब्रश में लेके जस्ट इस तरह से अप्लाई करनी है। और गाइस, इससे बहुत ज्यादा फॉल आउट होता है इसलिए मैंने अपने ऊपर ट्राई नहीं किया। ओह माय गॉड, व्हाट द फक ऑफ दिस मैन, इसका रिजल्ट लाइक ओह माय गॉड लाइक ये अगर इस तरह का अगर आप कुछ इस तरह का आई शेड अप्लाई करते हो तो वो फॉल आउट तो होगा ही होगा, आपके कपड़ों पे भी गिरेगा और आपके फेस पे भी गिर जाएगा। इसीलिए इस तरह इसीलिए गाइस ये वाला हैक मैंने खुद ट्राई नहीं किया, मुझे पता था इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का ही होना है इसलिए मैंने इस पे ट्राई करा। बट आप मत करिएगा इस तरह का फॉल आउट करने के लिए। ओके गाइस, सो ये वाला हैक करने में मजा आया क्योंकि मेरी भांजी को ये बहुत ही मजा आया है। मुझे तो नहीं आया। कौन बोला आपको? ये बहुत ही एक्चुअली बहुत खुश थी कि मैं वीडियो में जाऊंगी, वाह मैं वीडियो में दिखूंगी, तो इसलिए ही आई थी और उसका देखो क्या हाल हो गया। गाइस, ये वाले हैक थे जो मैंने ट्राई करे थे एंड मुझे बहुत मजा आया ये वाले हैक ट्राई करने में। आई होप आपने भी इंजॉय करा हो इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है गाइस तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल घंटी है उसको वो जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय।